साहित्य समाज का दर्पण होता है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। जो समाज में घटित होता है उसे साहित्यकार कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि रूपों में समाज के सामने प्रस्तुत करते आए हैं। आज के आधुनिक और तकनीकी युग में साहित्य को प्रस्तुत करने का मुख्य माध्यम अब टीवी सीरियल और मूवी बन गया है। पिछले कुछ वर्षों से हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड और साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकारों में भाषा के नाम पर कई विवाद सामने आए हैं। विदित है कि देश में सिनेमा के जरिए भारतीय संस्कृति व इतिहास की वे कहानियां घर घर तक पहुंचाई हैं जिनका हमारे समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, फिर चाहे वो खाने पीने से लेकर रहन सहन तक का मामला क्यों न हो। देश की आबादी ने सिनेमा का काफ़ी हद तक अनुकरण किया है और यह मुहिम अब भी लगातार जारी है। हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो अभी हाल ही में तानाजी द अनसंग वॉरियर और द कश्मीर फाइल की रिकॉर्ड कामयाबी के बाद देश में सिनेमा को शक्ति के रूप में प्रयोग करने का समीकरण फिल्मकारों को समझ में आ गया है। फिल्मकार मानते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक दादा फाल्के ने पश्चिमी तकनीक के सहारे भारतीय कहानियों को कहने का बीज सिनेमा के जरिए बोया। ये बीज अब जबकि बरगद बन चुका है तो इसमें भाषाई झगड़े को जगह नहीं होनी चाहिए। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए संस्कार भारती अगले हफ्ते मुंबई में सिने टॉकीज नाम का एक विशाल आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। आयोजनकर्ताओं की नज़र में इस प्रोग्राम को संस्कृत और सिनेमा के बीच सेतु के रूप में देखा जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने में कई फिल्मकार लगे हुए हैं। सिने टॉकीज 2022 इसी की अगली कड़ी है। संस्कार भारती के साथ अकादमी ऑफ थिएटर आर्ट्स, मुंबई विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी इस दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन में भागीदार रहेंगे। 13 और 14 मई 2022 को यह कार्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय के कलीना कैंपस में होने जा रहा है। इस आयोजन के दौरान देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिनेमा के महत्वपूर्ण योगदान को फिर से देखने और समझने के लिए एक खास संवाद होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न भाषाओं के फिल्म निर्माता, सिनेमा के छात्र, समीक्षक और फिल्म प्रेमी एक मंच पर होंगे। अब आगे देखना यह है कि संस्कृति को बचाने के नाम पर हो रहे इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को ही बचाना है या इसके पीछे कोई एजेंडा छुपा है। जिस प्रकार से खास करके बॉलीवुड में दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों को अवसर के नाम पर सदा हाशिए पर रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में एक हद तक बॉलीवुड के ठीक विपरीत इन समुदायों के मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया गया है। बॉलीवुड में अब तक खास समुदायों का प्रभाव ज़्यादा रहा है और बॉलीवुड में मुद्दे अपनी सुविधा के हिसाब से सेट किए जाते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से ही किसी फिल्म को सफल और असफल की श्रेणी में रखा जाता है। कहीं इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य बॉलीवुड की जातवादी सोच को गैर हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में फैलाने की नाकाम कोशिश तो नहीं है, इस बात पर विमर्श जरूर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।